दोस्तों आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे राशन कार्ड की नई लिस्ट कैसे देखें। राशन कार्ड की नई लिस्ट जारी कर दी गई है। कुछ नए लोगों के लिए जो आवेदन किए थे उनका नाम ऐड किया गया है, कुछ लोग जो अपात्र पाए गए थे उनका नाम हटाया गया था। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे राशन कार्ड की नई लिस्ट कैसे देखें। चलिए शुरू करते हैं। इस समय हम लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वेबसाइट पे आने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर ही आपको मेन्यू ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसी में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा राशन कार्ड। फिर राशन कार्ड के अंतर्गत आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा राशन कार्ड डिटेल ऑन स्टेट पोर्टल, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें आपको बोला जाएगा आप अपने राज्य का नाम सेलेक्ट कीजिए, जो भी आपका राज्य हो यहाँ से अपने राज्य का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। राज्य का नाम पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक कीजिएगा। एक नया वेबसाइट खुलकर आ जाएगा जो आपके राज्य का है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए आपसे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आपके आ जाएंगे, एक नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में दो क्षेत्र है, नगरीय और शहरी, तो इस तरह आपका खुलकर आएगा। यहाँ पे जो भी आपका नगर में रहते हैं तो नगर के अंतर्गत जो भी आपके एरिया है वो सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप ग्रामीण में रहते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में जो भी आपका एरिया है वो अपना या ब्लॉक जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ब्लॉक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी ग्राम पंचायत होंगे सारे के नाम आ जाएंगे, तो अपने ग्राम पंचायत का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। ग्राम पंचायत का नाम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके ग्राम पंचायत के अंतर्गत दो दुकानदार के नाम है। जिस दुकानदार के अंतर्गत आपने अप्लाई किया है या जिसको दिए हैं उस पे आप क्लिक कर लीजिएगा। उस पे क्लिक करते ही आपका पूरा लिस्ट आ जाएगा। जितने भी लिस्ट होंगे सारे नाम यहाँ पे आपके देखिए शो करने लगेंगे। इस पे आप आसानी से जाके चेक कर सकते हैं कि आपका नाम ऐड हुआ है कि नहीं। और वो लोग भी जरूर चेक कीजिए जिनका पहले से नाम था, क्योंकि अपात्र लोगों का नाम भी हटाया गया है। तो इस तरह आप आसानी से नए राशन कार्ड का लिस्ट देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।